नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। लगातार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। जम्मू के पुंछ में पाकिस्तान रेंजर्स ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इस गोलाबारी में कई घरों को नुकसान पहुंचा, साथ ही सेना का एक जवान भी घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर मेंढर सेक्टर में भी पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की गई। पाकिस्तान की इस गोलाबारी का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पवन शर्मा हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके। पवन, क्या जानकारी? देखिए, पूरी रात वहाँ पाकिस्तान की तरफ से हैवी मोर्टार शेलिंग और हैवी फायरिंग जो है वो पूंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर के लगभग 10 के करीब ऐसे गांव थे जिनको निशाना बनाया गया और भारतीय पोस्टों को भी टारगेट किया। लेकिन अभी सुबह की बात करें तो फायरिंग फिलहाल बंद है, लेकिन पूरी रात एलओसी के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से हैवी मोर्टार शेलिंग की गई है। एक बड़ा ग्रुप घुसपैठ के लिए जो कोशिश कर रहा था, सेना ने उसको भी विफल किया और भारी मात्रा में गोला बारूद व खाने पीने का सामान व अन्य सामान भी बरामद किया है। पवन, जिस तरीके से रिहायशी इलाका बताया जा रहा है, वो इलाका जरा बताइए जहां पर ये गोलाबारी हो रही थी, क्या किसी स्थानीय नागरिक को भी चोटें आई? देखिए, बिल्कुल एलओसी से सटे हुए गांव हैं, ये पहाड़ी इलाका है, दूर दूर तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन गांव जो है वो बिल्कुल पहाड़ों के बीच है, एलओसी से सटे हुए। जो 3 दिन से शेलिंग हो रही है उसमें सब एक सेना का जवान घायल हुआ है, हालांकि सिविलियन कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के बहुत से मवेशी घायल हुए और घर भी टूटे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके में आतंकी हमला हुआ। यह हमला एक बार फिर सीआरपीएफ कैंप पर हुआ। यहां सीआरपीएफ के 180वीं बटालियन पर यह हमला हुआ। आतंकियों ने यहां ग्रेनेड से हमला किया और इसमें 2 जवान के घायल होने की खबर है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना और पुलिस के जवानों ने दौड़ते हुए एक सड़क को खाली कराया और फिर वहां से एक गाड़ी को निकाला गया। यहाँ सेना और पुलिस की साझा कार्रवाई में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए और उन्हें इलाके से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जवानों ने दौड़कर रास्ते को खाली करवाया और फिर पुलिस की गाड़ी में दोनों आतंकियों को वहां से निकाला गया। पुलिस के मुताबिक हिज्ब के एरिया कमांडर के आदेश पर ये आतंकी हथियारों की खेप लेने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही जवानों ने उन्हें धर लिया। ये आए थे यहाँ पर हंदवाड़ा में वेपन लेने के। फिलहाल पुलिस दोनों आतंकियों से पूछताछ में जुटी है और घाटी में फैले आतंकी नेटवर्क पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। पुलिस ने इन आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों आतंकी मिराजुद्दीन और उबैद शफी अवंतीपुरा के रहने वाले हैं और इन्हें भर्ती करने के लिए हिज्ब ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। पूछताछ में इन आतंकियों ने कुछ और लोगों के नाम का खुलासा भी किया, जिसके आधार पर अवंतीपुरा से भी 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। लेकिन शोपियां में कुछ आतंकी अभी तक पकड़ से बाहर हैं, जिन्होंने पीडीपी के पूर्व मंत्री गुलाम हसन खान के घर पर हमला किया। हसन खान के मुताबिक आतंकियों ने उनके सुरक्षा कर्मी से राइफल छीनने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उनके इरादे नाकाम कर दिए। शुक्र है कि ये हमारे गार्ड जो है उनकी वजह से तो यहाँ कोई ऐसा जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद से इलाके की घेराबंदी बढ़ा दी गई है और पुलिस के साथ मिलकर सेना के जवान आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। मुंबई में तेज बारिश का असर कई जगह देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कई जगह पानी भर गया, वहीं यातायात पर बुरा असर पड़ा। वहीं कई जगह पेड़ भी गिरने की खबर है। खराब मौसम की वजह से 16 फ्लाइट्स को दूसरे शहरों में डायवर्ट किया गया। 13 फ्लाइट्स अहमदाबाद के लिए डायवर्ट की गई, वहीं 2 को वडोदरा और 1 को दिल्ली डायवर्ट किया गया। तो मुंबई में तेज बारिश की वजह से कई इलाके प्रभावित हैं। यहां कई जगह जाम लगा, तो जलभराव से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सोमवार शाम से शुरू हुई बारिश के बाद भांडुप इलाके में ड्रेनेज से पानी भरते हुए सड़कों पर आ गया। माहिम रेलवे स्टेशन के बाहर एक बड़ा सा इमली का पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर गया, जिसमें एक बाइक सवार भी अंदर दब गया था। हालांकि लोगों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला। बीएमसी के लोग पेड़ की कटाई का काम कर रहे हैं। विक्रोली मंडल में भी तेज बारिश हुई। मुंबई के अलावा ठाणे में भी जोरदार बारिश हुई। ओडिशा के गंजाम में कुछ लोग एक घायल शख्स को कंधे पर लादकर सीढ़ी के सहारे नीचे उतारते दिखे। साइक्लोन जैसी आपदा से निपटने के लिए ओडिशा सरकार ने डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया है और इस फोर्स से जुड़े लोग एक घायल शख्स को निकालकर उसे इलाज के लिए ले जाते दिखे। ये लोग ओडिशा की डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स का हिस्सा है, जिन्हें मुश्किल हालात में लोगों को बचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कोई भी डिजास्टर में देयर शुड बी जीरो कैजुअल्टी। ओडिशा के 480 किलोमीटर लंबे समुद्री किनारे पर बसे 23,000 गांव के लोगों को ऐसी खास ट्रेनिंग दी गई है।
ओडिशा में समुद्र के पास वाले इलाकों पर अक्सर साइक्लोन का खतरा मंडराता रहता है, इसीलिए राज्य सरकार ने इस मुश्किल से निपटने के लिए लोगों को तैयार करने की मुहिम शुरू की और इसके लिए बाकायदा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया गया। जिस तरह हमारे जवान इस फोर्स में साइक्लोन की चपेट में आने वाले गांवों के नौजवानों को शामिल किया गया और उनकी मदद से मुश्किल हालात से निपटने की मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान समुद्र में डूब रहे लोगों को बचाने की भी ट्रेनिंग दी गई। उनको हम पूरे साल ट्रेनिंग दे करके इक्विपमेंट में उनको पारंगत करके उनको हम लोग इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहते हैं। ओडिशा के तट के पास के इलाकों में 1999 में सुपर साइक्लोन ने भारी तबाही मचाई थी जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। गुजरात के अमरेली जिले में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की एक सभा के दौरान एक युवक ने चूड़े उन पर फेंकी। इस दौरान उनसे किसानों के लिए कर्ज माफी करने के उसने नारे भी लगाए। घटना के बाद थोड़ी अफरातफरी मची। पुलिस ने मौके से किसान को पकड़ा और पंडाल से बाहर ले गए। मोदी सरकार के 3 साल की उपलब्धियां जनता को बताने के लिए आयोजित देशव्यापी सबका साथ सबका विकास सम्मेलनों की कड़ी में आयोजित ये कार्यक्रम, जिसमें इस घटना के लिए ईरानी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। और एक पुरुष को भेजा है महिला पर आक्रमण करने के लिए, मुझे लगता है कांग्रेस की वो स्ट्रैटेजी थोड़ी गलत है, लेकिन अगर फिर भी पुरुषों को मुझ पर अटैक करने के लिए भेजना चाहते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। केतन कसवाड़ा नाम का ये आरोपी, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गई। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस ट्रक्स को छुड़ाने के लिए थाने के बाहर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं के मुताबिक उस ट्रक्स को बेवजह परेशान किया जा रहा है और उसे तुरंत छोड़ा जाए। गुजरात के बोटाड में कुछ लोग अपने सिर और शरीर पर लोहे की जंजीरों से वार करने लगे। ये सब गुजरात सरकार के 2 मंत्रियों की मौजूदगी में हुआ, जिसके बाद दोनों नेताओं का काफी विरोध हो रहा, क्योंकि गुजरात सरकार के दोनों मंत्रियों की मौजूदगी में ही काला दुपट्टा ओढ़े एक शख्स संगीत की धुन पर अपने सिर पर लोहे की जंजीरों से वार करने लगा। ये कार्यक्रम रविवार को जादू टोना करने वाले ओझा और तांत्रिकों की तरफ से आयोजित किया गया था। इसमें गुजरात सरकार के राजस्व और शिक्षा मंत्री भूपेंद्र चुडासमा और सामाजिक न्याय मंत्री आत्माराम परमार भी शामिल हुए। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद विपक्ष ने गुजरात सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दोनों मंत्रियों पर अंधविश्वास और जादू टोने को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ऐसे कार्यक्रम में मंत्री की मौजूदगी से जादू टोने को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि विवाद बढ़ता देख खुद शिक्षा मंत्री भूपेंद्र चुडासमा सामने आए और जादू टोना करने वालों को भी समाज का हिस्सा बताते हुए मामले को शांत करने की कोशिश की। समाज के एक भाग है भैया, और समाज के लोग एक दूसरे को मिले उसमें क्या तकलीफ। जादू टोना करने वालों के इस कार्यक्रम में करीब 500 लोग शामिल हुए, जिन्हें मंत्रियों ने काली शॉल देकर सम्मानित भी किया। आज कुल्लू जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज कुल्लू में होने वाले त्रिदेव सम्मेलन में शिरकत करेंगे, साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अकाली दल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। इस सिलसिले में आज अकाली और बीजेपी नेता चंडीगढ़ में उपराज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के घर 5 डॉक्टरों और एम्बुलेंस की तैनाती पर विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद एम्बुलेंस को हटा दिया गया। गुजरात के वलसाड में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई और उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से कार चालक की जलकर मौत हो गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में छापेमारी कर पुलिस ने शराब की बड़ी खेप बरामद की। बरामद शराब में विदेशी ब्रांड की शराबें भी शामिल है। मध्य प्रदेश के मंडला में नाबालिग लड़की के गैंगरेप के आरोप में ग्रामीणों ने 3 आरोपियों की पिटाई कर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के फतेहपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स की अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। महाराष्ट्र के जालना में बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों महिलाएं खेत में काम कर रही थीं। कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर में 3 पाइथन सांपों ने 56 बच्चों को जन्म दिया। चिड़ियाघर के निदेशक इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में गाय ने एक अनोखे बछड़े को जन्म दिया, जिसका मुंह इंसानों जैसा है और बाकी धड़ गाय जैसा। हिमाचल के शिमला में 1 हफ्ते तक चलने वाले एयर शो फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। शो के पहले दिन सेना के जवानों ने पैरासेलिंग के जरिए आसमान में कई करतब दिखाए। अमेरिका के न्यूजर्सी की एक सड़क पर एक शख्स आग की चपेट में आ गया और जमीन पर गिरकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा। इतने में कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और जमीन पर गिरे शख्स को पीटने लगे। इससे पहले सड़क पर चल रही एक कार में पोल से टक्कर के बाद भीषण आग लग गई और पास से गुजर रहा एक युवक भी उसकी चपेट में आ गया। उसके कपड़ों में आग लग गई।
ये देख वो जमीन पर लेटकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा। वीडियो बना रहे एक शख्स ने पास खड़े पुलिस वालों से युवक को बचाने की अपील की। पुलिस वाले वहां एक आरोपी की तलाश में घूम रहे थे और आग की लपटों से बचने के लिए जमीन पर गिरे युवक को ही अब उन्होंने आरोपी समझ लिया। इसके बाद हाथ में पिस्तौल लिए पुलिस वाले नीचे गिरे युवक के पास पहुंचे और उसे लात मारने लगे और फिर उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गए। वीडियो बना रहे शख्स ने पुलिस वालों को बताया कि नीचे गिरा युवक बेकसूर है। इस घटना के बाद न्यू जर्सी के मेयर ने ट्वीट कर पूरे मामले में सफाई दी और कहा कि अगर चश्मदीद की बातों में सच्चाई है तो आरोपी पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से दो इमिग्रेशन अफसरों को गिरफ्तार किया गया है। इन अफसरों पर फर्जी पासपोर्ट के जरिए मानव तस्करी करने वाले गिरोह की मदद करने का आरोप है। इस मामले में चार और लोगों को हिरासत में लिया गया। सूत्रों के मुताबिक ये अफसर इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़े हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले नकली पासपोर्ट के मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जिनकी निशानदेही पर ही इन अफसरों का पता चला। मुंबई एयरपोर्ट पर एक युवक जमीन पर बैठ गया और अपने लैपटॉप बैग से सफेद रंग के पैकेट निकालने लगा। सुरक्षा जांच में शक होने पर इस युवक की छानबीन की गई तो इसके पास 3.5 किलो कोकेन मिली। और पुलिस की गिरफ्त में जमीन पर बैठा यह युवक अपने लैपटॉप बैग से सफेद पैकेट निकालने लगा। इन पैकेट में गत्तों के बीच कोकेन छुपाकर रखी गई थी। इस युवक के पास से 3.5 किलो कोकेन बरामद हुई जिसकी कीमत 36 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कोकेन ही कुछ और है तो कोकेन। मुंबई पुलिस ने पिछले एक हफ्ते में 60 करोड़ रुपए की कोकेन पकड़ी है। कुछ दिन पहले पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर उसके पास से 21 करोड़ रुपए की कोकेन बरामद की थी। सेवेंथ को हम लोगों ने पकड़ा एक बोलिवियन लेडी को जिसके पास 3.25 केजी कोकेन था जिसका की कीमत लगभग 21 करोड़ के पास आएगा। पुलिस फिलहाल ये पता लगाने में जुटी है कि कोकेन की इतनी बड़ी खेप मुंबई में किसके पास पहुंचाई जा रही थी। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक शख्स ने पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद युवक पत्नी का कटा हुआ सर लेकर थाने पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि खेत पर काम करते वक्त दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। रूस में दो लड़ाकू विमान आसमान में उड़ते हुए कलाबाजी दिखाने लगे। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस 12 जून 1992 को अलग देश बना था, इसीलिए 12 जून को ये राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और 25वें राष्ट्रीय दिवस के मौके पर रूसी सेना के दो सुखोई विमान हवा में करतब दिखाने लगे। इनमें एक विमान सीधा तो दूसरा विमान ठीक उसके ऊपर उल्टा होकर कलाबाजी दिखाने लगा। इतना ही नहीं, सेना के 6 लड़ाकू विमान हवा में धनुष का आकार बनाते हुए तेजी से सामने की ओर आए और फिर अलग अलग दिशा की ओर बढ़ गए। इसके बाद हेलीकॉप्टरों की बारी आई तो हेलीकॉप्टरों ने भी कलाबाजी का नजारा पेश किया। एक हेलीकॉप्टर तो अपनी जगह पर ही हवा में 360 डिग्री पर घूमने लगा और धुएं की लकीर खींचता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। इसके बाद सेना के कुछ जवान हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे नीचे उतरे और युद्ध जैसी स्थिति से निपटने का अभ्यास करने लगे। मुंबई के बांद्रा इलाके में तेज रफ्तार कार का टायर फटने से हादसा हुआ। इस हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक ये हादसा उस वक्त हुआ जब कार वर्ली से अंधेरी की तरफ जा रही थी और जैसे ही कार बांद्रा के खेरवाड़ी ब्रिज पर पहुंची कार का टायर फट गया और तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। बिहार के बक्सर में पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाने लगी। यहां केंद्र सरकार से जुड़े एक कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक को नहीं बुलाए जाने पर उनके समर्थक हंगामा करने लगे जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ने के लिए उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी ने बक्सर में सबका साथ सबका विकास नाम से कार्यक्रम आयोजित किया था। आरोप है कि इस कार्यक्रम में बीजेपी ने बक्सर से कांग्रेस के विधायक संजय तिवारी को नहीं बुलाया। इससे नाराज उनके समर्थक कांग्रेस के झंडे लेकर कार्यक्रम में घुस गए और बीजेपी कार्यकर्ताओं से उलझ गए। कार्यक्रम स्थल पर के कुछ गुंडे यहां का स्थानीय विधायक गुंडों को भेज करके यहां पर अफरा तफरी मचाया है। मौके पर मौजूद पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद झगड़ा शांत कराया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया। चैंपियंस ट्रॉफी के एक मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 237 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया। पाकिस्तान की ओर से सरफराज अहमद ने नाबाद 61 रनों की पारी खेली। इसके पहले टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया।
पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका टीम की शुरुआत सधी हुई रही, लेकिन मध्यम क्रम में कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाया, जिसकी वजह से श्रीलंका टीम पूरे 50 ओवर्स भी नहीं खेल पाई। सरफराज को शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टक्कर इंग्लैंड से होगी, वही फाइनल में पाकिस्तान और भारत के बीच मुकाबले की संभावना बढ़ गई है। जापान में हाईवे पर एक कार सामने से उड़ती हुई आई और दूसरी ओर से गुजर रही बस के सामने का शीशा तोड़ती हुई अंदर घुस गई। ये बस हादसे से ठीक पहले तेज रफ्तार में हाईवे पर अपनी लेन में चल रही थी। बस के अंदर ड्राइवर के पीछे खड़ा शख्स एक सफेद रंग के पॉलिथीन बैग से कुछ सामान निकाल रहा था, तभी ड्राइवर सामने से उड़ती हुई एक चीज को देखकर झुका। ये चीज कुछ और नहीं, एक कार थी जो दूसरी लेन से उड़ती हुई आई और ड्राइवर के ठीक सामने का शीशा तोड़ते हुए बस के अंदर घुस गई। इस खौफनाक हादसे के बाद बस लहराती हुई किसी चीज से टकराकर रुक गई। हादसे के बाद का मंजर देखकर लोग हैरान रह गए। कार का एक हिस्सा बस में घुसा था जबकि पीछे का हिस्सा बाहर लटक रहा था। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव दल पहुंचा और कार को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कार इतनी बुरी तरह से बस में फंसी थी कि उसे निकालने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी और क्रेन की मदद से कार को निकाला गया। इस हादसे में कार के परखचे उड़ गए जबकि बस के सामने का हिस्सा बुरी तरह टूट फूट गया। इस हादसे में कार के ड्राइवर की मौत हो गई जबकि बस के ड्राइवर समेत 45 यात्री जख्मी हो गए। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में एक मॉडल की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक मॉडल कृतिका की लाश 4 दिन से कमरे में बंद थी। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कृतिका का मोबाइल और आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज जब्त कर ली। सूत्रों के मुताबिक मॉडल कृतिका के शरीर पर जख्म के निशान है। मॉडल कृतिका चौधरी फिल्म इंडस्ट्री में एक उभरता हुआ नाम थी और हम लोग उसमें पूरी छानबीन कर रहे हैं। अभी तो कोई नतीजे पे हम पहुंचे नहीं हैं। जैसे ही कुछ नतीजा निकलेगा आपको बता दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने किसी फिल्म में मुख्य किरदार तो नहीं निभाया, लेकिन अपने वक्त की चर्चित फिल्म रज से उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। इस फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में थी। इसके अलावा कृतिका ने फिल्म मुंबई कैन डांस वाला और मॉडल में अभिनय किया। वो एकता कपूर की बालाजी प्रोडक्शन के बैनर तले बने टीवी सीरियल परिचय नई जिंदगी सपनों की में भी काम कर चुकी है। हालांकि इसके बाद उन्होंने टीवी सीरियल से हमेशा के लिए तौबा कर ली थी। करीब 4 दिन पहले कृतिका की मौत कैसे हुई, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। ये मौत हत्या है, हादसा है या खुदकुशी, इस पर पुलिस फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है। हालांकि पुलिस ने अभी एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया और उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। दरअसल कृतिका की मौत को लेकर सस्पेंस इसलिए भी है क्योंकि उसका शव बेड पर पड़ा था और माथे पर जख्म के निशान है। सूत्रों के मुताबिक शक है कि उसके साथ मारपीट की गई थी। कृतिका के फ्लैट में एयर कंडीशन और पंखा भी चालू था। सवाल ये है कि क्या किसी ने दोनों को इसलिए चालू रखा था ताकि शव से बदबू ना फैले। यही नहीं, घर से कोई भी चीज चोरी नहीं हुई, इसलिए भी पुलिस को इस मौत के पीछे अनहोनी का शक है। विवेक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? क्या कुछ अभी तक मामला सामने आ पाया कि हत्या है या हादसा या खुदकुशी? हाँ अर्पिता, देखिए इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस अभी ऑन रिकॉर्ड से कुछ नहीं बोल रही है। उनके साफ तौर पर कहना है कि पहले वो ईडी आ जाने की एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट उन्होंने दर्ज की है, लेकिन शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि जिस समय बॉडी को घर से निकाला जा रहा था तो बॉडी को उसके शरीर पर काफी गंभीर चोटें थी। तो पुलिस को कहीं ना कहीं आशंका है कि ये हत्या का मामला है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है क्योंकि जिस तरह से कृतिका अंधेरी वेस्ट में जिस फ्लैट में रहती थी उस फ्लैट से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है, कोई भी लूट पार्ट जैसा सीन क्रिएट नहीं किया गया है और जिस वहाँ के जो एसी और पंखे चालू थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस को शक है कि इस घटना के पीछे कोई जान पहचान या बहुत करीबी वहाँ पे पहचान करीबी मामला हो सकता है। बहुत शुक्रिया विवेक। राजस्थान के बाड़मेर में हाईवे पर जुटे सैकड़ों लोग पुलिस की मौजूदगी में हंगामा करने लगे। आरोप है कि यहां कुछ लोगों ने गाय लेकर जा रहे 5 ट्रकों को रोका और गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की, और जब पुलिस मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाने लगी तो उन्होंने पुलिस के खिलाफ ही नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया, जिसके बाद कुछ लोग तो मौके से फरार हो गए, लेकिन जो डटे रहे उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ट्रकों में तोड़फोड़, कांच तोड़ना और एक ट्रक के आग लगाना,
पुलिस के मुताबिक जैसलमेर से तमिलनाडु जा रहे इन ट्रक चालकों के पास पूरे कानूनी दस्तावेज थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने हाईवे पर ट्रकों को रोका और तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस का आरोप है कि गोरक्षा के नाम पर जुटी भीड़ ने एक ट्रक को आग लगाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उनके इरादे को नाकाम कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक घटना की सूचना के बाद कई घंटे बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिस वजह से हाईवे जाम रहा। हालांकि मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस प्रशासन ने आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की। कुछ हमारे थाने का स्टाफ जो कि इतनी संवेदनशील कानून व्यवस्था की ड्यूटी में भी वो एब्सेंट रहा, कुल 7 लोगों को लाइन हाजिर किया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मंदसौर में पुलिस फायरिंग में हुई किसानों की मौत को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मंदसौर जा रहे हैं, जहां वो मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पाटीदार आंदोलन के अगुवा हार्दिक पटेल भी आज मंदसौर पहुंच रहे हैं, हार्दिक पटेल भी किसानों से मुलाकात करेंगे। सियासत के बीच मध्य प्रदेश की गृह सचिव मधु खेरे का तबादला कर दिया गया, उनकी जगह IAS केदार शर्मा ने ली है। इस मुहिम के पीछे सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। अच्छा, प्रशासन का काम करता है तो लोगों को काम करने का अधिकार है। मेरा काम है लोगों से मिलना, तो मैं अपना काम करूंगा। जबलपुर में कांग्रेस नेता सचिव यादव ने भड़काऊ बयान दिया। सचिन यादव ने शिवराज सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। सचिन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी, साथ ही उन्होंने मंडी में आग लगा देने की भी धमकी दी। ये भट्टी बंद नहीं चलेगा, मंडी के अंदर आग लगाएंगे मंडी में। किसान आंदोलन के बीच देश के 3 राज्यों में किसानों की आत्महत्या की खबर भी आई है। महाराष्ट्र के अकोला में जयप्रकाश नाम के किसान ने आत्महत्या कर ली। किसान के पास मिली चिट्ठी में लिखा है कि कर्ज की वजह से वो आत्महत्या कर रहा है। वहीं झारखंड के रांची में एक किसान की आत्महत्या के पीछे कर्ज की बात कही जा रही है। हालांकि इस घटना की जानकारी 3 दिन बाद मिली। तीसरी घटना मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा की है। हालांकि कलेक्टर ने खुदकुशी का मामला नहीं बताया है, लेकिन परिवार के मुताबिक 5 लाख रुपए के कर्ज की वजह से किसान ने आत्महत्या की। उत्तराखंड के रुड़की में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का पुतला फूंकते नजर आए। किसान आंदोलन पर गर्माती सियासत की आग उत्तराखंड तक पहुंच गई, जहां कांग्रेस ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार का विरोध किया। और उत्तराखंड के रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इसके बाद किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी कांग्रेस ने शिवराज सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही किसानों की माली हालत बिगाड़ने का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा। जब से मोदी जी आए हैं तब से किसानों के बोझ शुरू हो गए। कांग्रेस ने ऐलान किया कि अगर शिवराज सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया तो उनका आंदोलन और तेज होगा। इस दौरान मध्य प्रदेश में भी किसानों का आंदोलन जारी रहा और सूबे के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन का दौर चलता रहा, जिसकी अगुवाई में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही। रविवार को जबलपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्याज और सब्जियां फेंकी। कांग्रेस ने किसानों की हत्या का आरोप लगाते हुए शिवराज सिंह से इस्तीफे की मांग की। हालांकि इसी दौरान वहां पुलिस पहुंच गई और कुछ देर बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सतना में भी कांग्रेस ने किसान रैली की। इस दौरान पार्टी के नेता दिलीप मिश्रा की जबान फिसल गई। किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने समर्थन मूल्य पर प्याज की खरीद भी शुरू कर दी, लेकिन खंडवा की मंडी अब तक सूनी पड़ी। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उपवास तोड़ने के बाद सियासत तेज हो गई है और विरोधी उन पर एक सुर में तंज कसते नजर आए। और किसान आंदोलन के बाद शिवराज सिंह के उपवास को कांग्रेस और लेफ्ट ने ड्रामा करार दिया। ध्यान बांटने के लिए, इधर उधर करने के लिए एक और दूसरा नाटक था जो कि खत्म हुआ। तो ये एक नाटक था, ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और शिवराज चौहान जी इसके मास्टर हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने भी शिवराज सिंह के उपवास पर चुटकी ली। उपवास की नोटिंग की है ये, उसमें जो भी कार्यकर्ता आए वो भाजपा के लोग आए, किसान एक भी नहीं आया। किसान संगठनों ने 16 जून को पूरे देश में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक हाईवे जाम करने का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी शिवराज को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने के लिए 14 जून से 72 घंटे के अनशन की घोषणा की। प्रदर्शन और सियासत के बीच मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान चर्चा में आए DM स्वतंत्र कुमार सिंह ने उज्जैन पहुंचकर पूजा की।
उन्होंने ये पूजा मंगल ग्रह की शांति के लिए अंगारेश्वर मंदिर में की। किसान आंदोलन के दौरान मंदसौर में गुस्साए किसानों ने डीएम स्वतंत्र कुमार को पीटते हुए खदेड़ दिया था, जिसके बाद सरकार ने उनका तबादला भोपाल कर दिया था। एक तरफ मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन और विरोध प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के किसान सरकार के कर्ज माफी के फैसले के बाद खुश नजर आए, जिसकी झलक नागपुर में दिखी जब किसान सड़क पर उतरकर अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। इसके बाद कर्ज माफी से गदगद इन किसानों ने पटाखे भी चलाए, एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया। सारे संगठनों ने समर्थन इस आंदोलन को दिया, इसका इतना बड़ा प्रेशर बढ़ा है कि महाराष्ट्र सरकार को झुकना पड़ा। जश्न के इस मौके पर किसानों ने एक बार फिर साफ किया कि अगर फडणवीस सरकार अपने वादे से पलटी तो 26 जुलाई से फिर हड़ताल पर चले जाएंगे। किसानों का कर्ज माफ करने के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार एक कमेटी बनाने जा रही है। ये कमेटी किसानों के लिए कर्ज माफी का पैमाना तय करेगी। हालांकि कर्ज माफी के ऐलान के बाद से ही महाराष्ट्र की मंडियों में रौनक भी लौटने लगी है। मनमाड मंडी में लोग ट्रैक्टर में प्याज भरकर बेचने के लिए पहुंचे और अपने माल की बोली लगाई। इस मौके पर मनमाड की मंडी में खरीदार भी नजर आए। मंडी में हर तरफ प्याज देखकर साफ नजर आ रहा था कि किसानों की उपज आंदोलन की वजह से अटकी पड़ी थी। लेकिन महाराष्ट्र में किसानों के कर्ज माफी के बाद नई सियासत शुरू हो गई। सरकार में शामिल बीजेपी और शिवसेना अब इस फैसले का श्रेय लेने की होड़ में जुट गई, जिसके लिए शिवसेना ने पोस्टर का सहारा लिया। मुंबई में बीजेपी मुख्यालय के ठीक सामने लगाए गए पोस्टर में शिवसेना ने दावा किया कि किसानों का कर्ज उनकी वजह से माफ हुआ। उद्धव जी ठाकरे शिवसेना पक्ष प्रमुख ये पहले ही दिन से किसानों के साथ थे। शिवसेना ने पोस्टरबाजी शुरू की तो बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को किसानों के मसीहा के रूप में पेश किया और कर्ज माफी का श्रेय बटोरने के लिए पोस्टर सर्कुलेट होने लगे। इन पोस्टर में शिवसेना को भी उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया गया। हालांकि बीजेपी कोटे के मंत्री क्रेडिट लेने पर साफ साफ कुछ भी कहने से बचते रहे। किसान इस निर्णय से खुश हुआ, अब इसका क्रेडिट कोई भी ले, कोई प्रॉब्लम। लेकिन असली लड़ाई उस वोट बैंक की है जो किसान के रूप में हर दल को नजर आ रहा है। इसलिए कर्ज माफी को भुनाने में न शिवसेना पीछे रहना चाहती है और न ही बीजेपी। यही वजह है कि किसानों पर सियासत में कोई भी दल पीछे नहीं है, यहाँ तक कि जेडीयू जैसी पार्टी भी इस लड़ाई में कूद पड़ी, जिसकी कमान खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संभाली। नीतीश के मुताबिक कर्ज माफी किसान की समस्या का असली हल नहीं है। वो मूल समस्या है कि किसानों को उत्पादन का दाम उपयुक्त नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार ने हाथ खड़े करते हुए साफ कर दिया कि कर्ज माफी में वो राज्यों की मदद नहीं कर पाएगी। स्टेट्स विच वॉन्ट टू गो इन फॉर दीज काइंड ऑफ स्कीम्स विल हैव टू जनरेट देम फ्रॉम देयर ओन रिसोर्स। कांग्रेस ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस बयान को गलत बताया। आज वित्त मंत्री के रूप में ये कह रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी किसान आंदोलन के बाद अब कर्ज माफी पर सीधी सियासत शुरू हो गई है, जो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक नजर आने लगी। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बाद अब हरियाणा में भी आज से किसान आंदोलन शुरू होगा। किसान नेताओं के मुताबिक 15 जून तक जिला मुख्यालय पर सांकेतिक धरने दिए जाएंगे। इसके बाद 16 जून को सभी नेशनल हाईवे जाम किए जाएंगे। वहीं पंजाब के किसानों ने भी 20 जून तक का अल्टीमेटम दिया है। किसानों के मुताबिक अगर बजट में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया तो आंदोलन के लिए तैयार रहे। राष्ट्रपति चुनाव पर सभी दलों से बात के लिए बीजेपी ने कमेटी बनाई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 3 सदस्यों की एक समिति बनाई है जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए सभी दलों से बात करेगी। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के फिरोज खान को एनएसयूआई का अध्यक्ष नियुक्त किया। तमिलनाडु के कानून मंत्री एआईएडीएम के चुनाव चिन्ह विवाद में अपने दावे को साबित करने के लिए 4 ट्रक दस्तावेज लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। न्यूज 18 इंडिया पर स्कूलों के मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने पर दिखाए गए ऑपरेशन वसूली के बाद नोएडा के डीएम ने जांच कमेटी बिठाई। दिल्ली में आयोजित बीजेपी के सबका साथ सबका विकास सम्मेलन में केंद्र की 3 साल की उपलब्धियों को दिखाया गया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कपिल मिश्रा का समर्थन करते हुए केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कपिल मिश्रा जो भी बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हर आरोप को वो सच्चा बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी से निलंबित विधायक अमानतुल्ला खान ने 15 जून को होने वाली इफ्तार पार्टी के लिए सीएम केजरीवाल को न्योता दिया। आम आदमी पार्टी से निलंबित पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा ने अमानतुल्ला खान पर भद्दे मैसेज भेजने का आरोप लगाया।
बीजेपी सांसद साध्वी प्राची ने कुछ लोगों पर योगी सरकार के आने के बाद हिंदूवादी संगठनों को बदनाम करने का आरोप लगाया। वीरेंद्र सहवाग पर भद्दी टिप्पणी करने वाले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ को मनोज तिवारी ने वीडियो के जरिए करारा जवाब दिया। आप जिसके लिए कह रहे हैं आप उसके करीब भी नहीं पहुंच सकते अपने सपने में। बढ़ते आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान हॉकी टीम के सभी मुकाबले पाकिस्तान की बजाय स्कॉटलैंड में होंगे। हिट हुआ टॉयलेट एक प्रेम कथा का ट्रेलर। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के ट्रेलर ने आते ही धूम मचा दी। ट्रेलर को एक ही दिन में 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। बीवी पास चाहिए तो घर में संडास चाहिए। अजय देवगन की आने वाली फिल्म बादशाहों का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया। 1 सितंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म का पोस्टर अजय देवगन ने ट्विटर पर जारी किया। अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर लोगों से बच्चों को चाइल्ड लेबर के रूप में इस्तेमाल ना करने की अपील की। भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर अपने करियर में पहली बार किसी टीम के मेंटोर बनने की योजना बना रहे हैं। खबर है कि गंभीर तमिलनाडु प्रीमियर लीग के अगले सत्र में मेंटोर की भूमिका निभा सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम सोमवार को लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में बने लॉग रूम को देखने पहुंची। इस दौरान खिलाड़ियों ने फोटो भी खिंचवाई। इंडियन सुपर लीग में 2 नई टीमों को शामिल किया गया है। एक टीम को टाटा स्टील ने और दूसरी को JSW समूह ने खरीदा है, जिसके बाद इस फुटबॉल लीग में अब 10 टीमें होंगी। अलग हो चुके अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा परिवार के साथ मुंबई में एक रेस्टोरेंट में दिखे। फिल्म ट्यूबलाइट के प्रचार के लिए सोनी चैनल पर हो रहे स्पेशल कॉमेडी शो से जुड़ी कुछ तस्वीरें सुनील ग्रोवर ने जारी की। कटरीना कैफ ने फिल्म जगह जासूस की शूटिंग की कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो रणबीर कपूर के साथ डांस कर रही हैं। शाहरुख खान की फिल्म देवदास के 15 साल पूरे होने पर 12 जुलाई को इसका 3D वर्जन लॉन्च किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्कुराते नजर आए और पत्रकारों के सवाल का जवाब देते देते बीजेपी को यूपी बिहार के साथ लोकसभा चुनाव कराने की भी चुनौती दे डाली। और बीजेपी को सीधी चुनौती देने से पहले नीतीश कुमार थोड़ा मुस्कुराए। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो यूपी और बिहार में मध्यावधि चुनाव कराए। हम बिहार का चुनाव कराने को तैयार है, कराइए यूपी का साथ में फिर से। नीतीश यही नहीं रुके बल्कि इन दोनों राज्यों के लोकसभा सांसदों को इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतरने की भी चुनौती दे डाली। करा दीजिए लोकसभा का यूपी और बिहार का, करा दीजिए तो है हिम्मत तो कराइए। नीतीश कुमार का ये जवाब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने बिहार में चुनाव कराने की मांग की थी। और ये बयान केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार के गया शहर में जाकर दिया था। यही वजह रही कि बीजेपी की चुनौती नीतीश कुमार और आरजेडी के नेताओं को चुभ गई। इसलिए जब नीतीश कुमार ने पलटवार किया तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी बयानबाजी में कूद पड़े। इनके जो 50 सीट भी जो आए हैं वो भी नीचे चले जाएंगे और यूपी में ना योगी रहेंगे ना मोदी रहेंगे वहाँ। बिहार में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने भी बीजेपी पर तंज कसा। भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको रोज चैलेंज करते हैं तो उन्होंने खरा जवाब दे दिया है। वार पलटवार के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर सामने आए। अपने बयान पर कायम रहते हुए उन्होंने दावा किया कि नीतीश लालू गठबंधन से बिहार की जनता परेशान है, इसलिए वहाँ चुनाव जरूरी है। राबड़ी देवी ने कहा कि उन्हें अपने बेटों के लिए सिनेमा और मॉल जाने वाली बहू नहीं चाहिए बल्कि संस्कारी बहू चाहिए, जिसके बाद राबड़ी के इस बयान की निंदा होने लगी। देखने में अच्छी घर संभाले वैसा हम लोग के लड़की चाहिए कि बाहर भीतर घर सब संभाले देखे, हम लोग के बाद वही ना आएगी। कौन बहू आएगी, कब आएगी, इन सवालों का जवाब तो लालू जी और राबड़ी देवी जी ही देंगे। हम तो विकास के कार्यों में लगे हुए हैं और बड़ा पद बिहार की जनता ने हमको देने का काम किया है, उन जिम्मेदारियों को पहले निभा दें। राबड़ी के बयान पर लालू ने सफाई में ट्वीट किया, संस्कारी बहू का मतलब घूंघट ओढ़ने वाली घरेलू और दूसरों पर निर्भर महिला नहीं है बल्कि इसका मतलब मजबूत इच्छा शक्ति और सबका ध्यान रखने वाली महिला से है। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में पुलिस एक कंटेनर का ताला काटने लगी। इस कंटेनर से पुलिस ने एक महिला को छुड़ाया जिसके साथ 2 महीने से बंधक बनाकर उसका रेप किया गया, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस कंटेनर का गेट खोलने में जुट गई। इलेक्ट्रिक कटर की मदद से पहले कंटेनर का ताला काटा गया और फिर दरवाजा खोलकर पुलिस वाले अंदर घुसे।
कंटेनर के अंदर काले रंग के कपड़े पहने एक महिला बैठी थी जिसके गले में जंजीर बंधी थी। इस जंजीर का दूसरा छोर कंटेनर की दीवार से बंधा था। पुलिस के मुताबिक इस महिला को 2 महीने यहाँ बांध कर रखा गया था। महिला को जहाँ बंधक बनाकर रखा गया था वहाँ कुछ किताबें भी पड़ी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने महिला के गले की जंजीर को काटकर उसे कंटेनर से आजाद कराया। महिला का कंटेनर से रिहा कराने की एक महिला को कंटेनर से रिहा कराने की एक घटना पिछले साल नवंबर की है जिसकी तस्वीर पुलिस ने अब जारी की। कंटेनर में कैद महिला पिछले साल अगस्त में तब लापता हो गई जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक प्रॉपर्टी डीलर से मिलने पहुंची। महिला का आरोप है कि टॉड क्रिस्टोफर कोलेप नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर ने उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया और उसे बंधक बना लिया। बीते साल नवंबर में पुलिस ने एक मामले में जब कोलेप को गिरफ्तार किया तब उसने महिला को बंधक बनाने की बात बताई। साथ ही उसने महिला के बॉयफ्रेंड समेत 7 लोगों की हत्या की बात भी कबूल की। हत्या और महिला को बंधक बनाने समेत 14 मामलों में दोषी पाए जाने के बाद कोलेप को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज की ताजा खबर में इतना ही।